महामारी के चलते दूषित पानी पीने को मजबूर हैं काशीराम कॉलोनी के लोग। रामपुर स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में दूषित पानी से लोग परेशान हैं। काफी मशक्कत के बाद दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। काफी समय से टंकी की सफाई न होने के कारण दूषित पानी लगातार आ रहा है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, परंतु उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कॉलोनी वासियों ने अपनी परेशानी यारवा ग्रुप के प्रेसिडेंट फवाद खान से की तो उन्होंने कॉलोनी में आ रहे पानी का जायजा किया तो पानी काफी दूषित था, जिसको पीकर हर व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो सोचिए कि इस महामारी के चलते बच्चों और बुजुर्गों के क्या हाल होंगे, और फिर बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कॉलोनी के वासियों को आश्वासन दिया कि वह इस समस्या को जिलाधिकारी से करेंगे, जिससे लापरवाह संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही हो सके और कॉलोनी वासियों को जल्द से जल्द इस समस्या से निजात मिल सके। इनका कहना है कि प्रशासन से कई बार कहा गया है, लेकिन जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनसे, जो पानी से विभाग से रिलेटेड नगर पालिका के अधिकारी हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ सुनते हैं और इनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इनका कहना है कि हम गरीब हैं, शायद यही हमारा दोष है, इसीलिए शायद हमारी नहीं सुनी जाती है। खैर, ये बात तो अब हम इंशाल्लाह हम लोग इसका पूरा आपका डिटेल बना के ज्ञापन पूरा प्रशासन को कल जमा कराएंगे, DM साहब को अवगत कराएंगे इस मामले से, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इस मामले को और पानी का ही सब काम होते हैं, तो कैसा होएगी फिर।